हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो रेसिपी है वो है नेपाली मोमोज। इसको हम कैसे बनाते हैं ये इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं मोमोज की रेसिपी। इसमें किसा हुआ मैंने गाजर लिया हुआ है, ये पत्ता गोभी, कैबेज किसा हुआ और फूल गोभी है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक, नहीं डालना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि इसको डालें। मुझे पसंद है तो मैं इसको डाल रही हूँ। और यहाँ पर कटा हुआ प्याज, और ये पेस्ट है अदरक का और हरी मिर्च का, दो हरी मिर्च और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लेकर के मैंने इसका पेस्ट बना दिया है। और ये शिमला मिर्च है। तो सबसे पहले हम इन सब्जियों को सबको नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। इसमें एक चम्मच हम नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ऐसे ही रख देंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो पानी निकलेगा उसको हम इजीली निकाल सकें। ये जो सारी सब्जियां हैं नमक डाल करके मिक्स कर दी है, इसको हम ढक करके 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक के लिए हम ये जो मैदा ली हुई हमने इसको हम नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल करके आटा गूंथ लेंगे। इसका जैसा पूरी का आटा गूंथते हैं वैसे ही हम इसको गूंथ लेंगे। इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले तो हम ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल करके इसको गूंथ लेंगे। सॉफ्ट आटा ही गूंथना है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूंथिएगा इसको आप। ये देखिए हमारा जो आटा है ये मैश होकर के तैयार है। अब हम इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। चलिए तो हमने ये आटा ढक करके रख दिया है। अब हम जो है ये जो सब्जियां हैं इनका हम जो पानी इसमें बन गया है उसको हम निकाल देते हैं। ये पानी आप ज़रूर निकाल लीजिएगा इसका, इससे आपके मोमोज और भी अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े या कॉटन के कपड़े में रख करके निचोड़ सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही हाथ से निकाल दे रही हूँ। इसका पानी निकालना बहुत ही ईजी है, कैसे भी आप निकाल सकते हैं इसको। ये देखिए पूरा पानी निकल गया है। अब वापस हम इसको इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा आटा जो फूल करके तैयार हो रहा है तब तक हम इसमें ग्रीस लगा करके तैयार कर लेते हैं। ये जाली वाला बर्तन, आप कोई भी जाली वाला बर्तन ले सकते हैं। ये देखिए हमारा आटा जो है फूल करके तैयार है 10 से 15 मिनट में। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और मैश करके इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे मोमोज। ये जो है हमने बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका मोमोज बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको बेल लेंगे। देखिए आप इसको जैसा चाहें वैसा बेल सकते हैं, जितना बड़ा बनाना है बड़ा, छोटा बनाना है छोटा। तो मैं आपको यहाँ पर एक मोमोज बना के बता दे रही हूँ, शेप इसका कैसा भी हो चलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा शेप बनाएंगे हम बेल करके वैसा ही हमारा मोमोज बनेगा। देखिए बेल लिया है मैंने। अब इसमें ये
ये जो हमारी सब्जियां थी इसको हम ऐसे डाल देंगे, डाल के और इसको इस तरीके से फोल्ड करके और ये ऐसे दबा देंगे, ये जो हमारे नेपाली मोमोज बन जाएंगे। इसका एक शेप और बताऊंगी मैं आपको बना करके। मोमोज को हम कई तरीके का शेप दे सकते हैं, इसमें फर्स्ट शेप मैंने ये वाला दिया है, इसके बाद मैं आपको दूसरा शेप दे करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका दूसरा शेप, इसको ऐसे पकड़ के और ये इस तरीके से इसको ऐसे बंद कर देना है। एक मोमोज का शेप ये है, मैं इसको एक ही बना करके दिखाऊंगी क्योंकि हम नेपाली मोमोज बना रहे हैं तो हम वही शेप देंगे जो मोमोज हम बना रहे हैं, ये वाला शेप हम नहीं देंगे। ये मैंने बस आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बताया है बना करके। चलिए तो हम नेपाली मोमोज सारे बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नेपाली मोमोज बन करके तैयार हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मोमोज बना लिए हैं, अब हम इनको स्टीम होने के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। इस तरीके से हम इनको सारे मोमोज को इसमें रख देंगे। ये देखिए सारे मोमोज हमने इसमें रख दिए हैं, अब हम इसको ढक देंगे और ढक करके ऐसे ही 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मोमोज स्टीम होकर के कैसे दिखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं हमारे जो मोमोज हैं स्टीम होकर के वो कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए पूरी तरीके से ये स्टीम हो चुके हैं। अब हम जो है गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये मोमोज की प्लेट जो है हम इससे निकाल लेते हैं। थोड़ा ही पानी बचा था हमारा इसमें, थोड़े से पानी में ही ये हमारे मोमोज जो है पक कर के तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सर्व करने के लिए मेरे मोमोज बन करके तैयार है। अगर मेरे आपको ये मोमोज रेसिपी पसंद आई हो तो हम मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा।